बहुत बहुत स्वागत है आपका लेडी विटल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि बीजे से रिलेटेड बीजे शॉर्टकट का एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बीजे शॉर्टकट की लिखा है उसमें, और उसके ऊपर अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक कमेंट आया है, यूनिट कैसे क्रिएट करें, शॉर्टकट की चाहिए उनको, और क्रिएट करना सिखाओ आइटम विज ग्रुप। ठीक है, आइटम और ग्रुप को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनका नाम है सूरज दीमान। तो सूरज दीवान जी इसमें ज़रूर आपको बताएंगे कि बीजी में कैसे और उसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप मास्टर में आ जाइए, या फिर ट्रांजैक्शन सेल की एंट्री काट रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, मगर आपको जो ग्रुप में डालना है तो उसको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइटम क्रिएट में ही ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे। हम डालते हैं इंग्लिश की बुकें डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई काम है इंग्लिश का, या फिर हमारी बुक सेलर की दुकान है, तो इंग्लिश की बुक है हमारी, इन इंग्लिश कन्वर्टेशन। ठीक है, प्रिंट नेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं बताता हूँ ग्रुप का रूल क्या होता है और उसका फ़ायदे क्या होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उससे हमारे हज़ारों प्रोडक्ट आते हैं, अगर हम उनको जर्नल में डालेंगे, जर्नल वाले ग्रुप में डालेंगे, तो वो क्या होगा, सब मिक्सअप हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा माल ख़त्म हो रहा है और कौन सा बचा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फर्म के नाम का एक ग्रुप बना लेंगे। तो जैसे कि हमारे बॉस हैं या ओनर है या अपनी शॉप है, हमें देखना है कि भैया कौन से कंपनी का माल हमें वहाँ से कम है, या फिर हमें वहाँ से ऑर्डर देना है, तो वो देख के बताओ कि कितना कितना माल पड़ा है। तो हम सीधे ग्रुप खोलेंगे तो ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी, हम पे ये पड़ा है। तो यहाँ पे हम एक ग्रुप करेंगे, इसमें की चलती है F3। F3 का हम ग्रुप लिख देते हैं इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मास्टर बोल रहा है, ये मास्टर लिस्ट में ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखा है, तो मैं आपको बता दूँ फिर भी, अल्ट के F3 दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें लिख देते हैं हम इको। तो इको वाला ग्रुप बना देते हैं, अभी आपको बता रहा हूँ, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, उसी के अंदर आ जाएंगे, अंडर ग्रुप इंग्लिश यहाँ बन के आ रखा है, तो इसको जनरल इको में ग्रुप क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको सिंपल। यहाँ पे हम इंग्लिश इको नहीं, इंग्लिश ले लेंगे, जो इंग्लिश कन्वर्टेशन की बुक है उसे इंग्लिश में डाल देंगे। और यहाँ पे किस उसमें आएगी, केजी में आएगी, मीटर में आएगी, दर्जन ले लेंगे हम। स्टॉक 0 रख देंगे। टैक्स कैटेगरी इसको हम 18 डालना तो 18 डाल देंगे। HSN इसका जो HSN कोड है वो डाल देंगे, इसको हम F2 से सेव कर देंगे, सेव मास्टर। इंग्लिश कन्वर्टेशन होगी हमारी, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग डाल देते हैं। ठीक है, इसको भी दर्जन में, इंग्लिश के सब ग्रुप देख सकते, यूनिट देख सकते हो यहाँ पे, यूनिट दर्जन में और ग्रुप इंग्लिश में डाल रखा हमने। इसको भी हम 12% में डाल करके F2 से सेव कर देंगे, इंग्लिश स्पीकिंग होगी। अब आती है इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की बुक डाली, ये भी इंग्लिश में दर्जन के हिसाब से आएगी, या पीसेस के हिसाब से बेचनी है वो आप देख लीजिए आपका कैसा बिजनेस है, इसको भी हम सेव कर देंगे। अब इंग्लिश ABCD वाली किताब की नाम डाल देते हैं यहाँ पे, हमने ऐसे ही बना रखा अपने हिसाब से, इसको सहूलियत के हिसाब से इसको 18% में डाल देते हैं, F2 से सेव कर देंगे। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमें मान लीजिए अब हमें इसको बेचना है। ठीक है, अब हमें बेच के हम इसे अब देखना चाहते हैं कि स्टॉक में कितना माल पड़ रहा है, या कितने आइटम है उस इंग्लिश ग्रुप में, हमें कौन कौन सी बुक है हमारे पास अवेलेबल है। तो इंग्लिश की बुक है, स्टॉक में जाएंगे हम, सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में जाएंगे हम यहाँ पे स्टॉक स्टेटस के अंदर, यहाँ पे आएगा अल्फ़ाबेटिक और ग्रुपेड, और ओपनिंग ग्रुपेड, क्लोजिंग ग्रुपेड। तो क्लोजिंग ग्रुपेड कोई सा भी खोल लीजिए जैसा आपको देखना है। ठीक है, तो जुलाई से ये सब सब ये आ गया जर्नल। जर्नल जो मेन है हमारा ग्रुप जिसके अंदर रखा रखा वो है, उसके अंदर जर्नल के अंदर देख सकते हो इको भी ग्रुप भी है और इंग्लिश ग्रुप भी है। तो यहाँ पर टाइप दिखा दे रहा है, ये आइटम है या ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर हम घुस जाएंगे। इंग्लिश के अंदर तो ये किताबें हमारे पास पड़ी हैं। ठीक है, इनका अकाउंट 00 है, ये इंग्लिश ग्रुप के अंदर आ चुकी है, इको के अंदर हमने कुछ क्रिएट नहीं करा, और ये जो जर्नल है ये जर्नल के अंदर है बाकी सारे ग्रुप। तो इनको जैसे टी बैग है, तो
तो डेली यूज़ वाला इसको कर सकते हैं। नोटबुक है, इसको भी हम इंग्लिश के अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं खोलता हूँ, ठीक है, इसको इसको यहाँ से जा करके F2 से सेव करके इसमें चलती है एडिट के लिए, अल्ट के साथ M चलती है, अल्ट के साथ M की दबा के यहाँ पे जर्नल है, इसको हम डाल सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रुप के अंदर, ठीक है। जैसे डाल दिया, अब ये बढ़ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप चेंज कर दिया। अब हम जा जाते हैं, देखिए इंग्लिश के अंदर नोटबुक आ चुकी है, देख सकते हैं हमारे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मेरे को। अभी के लिए इतना ही, अगर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो फेस कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।